आज किचन में बन रही है कुरकुरी भिंडी। चलिए मिलकर बनाते हैं मजेदार क्रिस्पी भिंडी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू निशाज वर्ल्ड। आज मैं भिंडी फ्राई बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम भिंडी ली है, जिसको मैंने पतला पतला काट लिया था। अब उसके लिए, इसमें मिलाने के लिए मैंने यहाँ पर भुना जीरा लिया है, हल्दी ली है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, आमचूर पाउडर लिया है, चाट मसाला लिया है, नमक लिया है, और कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लिया है और राइस फ्लावर लिया है, और पानी का भी हम थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर भुना जीरा डाल देती हूँ, हल्दी डाल देते हैं, मिर्च डाल देते हैं, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए, अच्छा लगता है, और चाट मसाला भी डाल देते हैं, और अंदाज से नमक डालेंगे। अब बात यह है कि इसको हमने हाथ से मिलाना है, ऊपर नीचे करना है। अब कोटिंग के लिए हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर डाल देंगे। इसको भी ऐसे मिलाएंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी का छींटा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा। यस, कोटिंग भी हो गई है। यहाँ पर मैंने तेल ऑलरेडी गरम करके रख दिया था। देख लेते हैं तेल हमारा हो गया है कि नहीं। यस, तेल रेडी है। अब मैं यहाँ पर अपनी भिंडी यहाँ पर डालती हूँ। मीडियम हाई फ्लेम पे करेंगे, और ध्यान रखिए कि इसको हमने एकदम डालते ही हिलाना नहीं है, थोड़ा वेट करना है। यस फ्रेंड्स, अभी ब्राउन होना शुरू हो गई है। मैंने इसे लो फ्लेम पे ही रखा है, पर अभी हमें टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा और ब्राउन होना चाहिए और कड़क होनी चाहिए। ये क्रिस्पी अच्छी लगती है। हमारी भिंडी, क्रिस्पी भिंडी एकदम रेडी है। अब हम इसको निकालेंगे। आपको आवाज़ आ रही है, जो ये एकदम प्लेट में जब डाली है तो अच्छी क्रिस्पी हो गई है। इसको ऐसे करने इसलिए करना है ताकि तेल हमारा निकल जाए। फ्रेंड्स, ये जो तेल, क्योंकि इसको अच्छे तेल में ही हमको फ्राई करना पड़ता है, मैं क्या करती हूँ, ये तेल जो बचता है जब ठंडा हो जाता है तो मैं इसको छान कर एक बॉटल में भर देती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर मैं इससे सब्ज़ी बनाती हूँ। दूसरी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। यस, मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। मेरी क्रिस्पी भिंडी एकदम रेडी है। ट्राई करिए और एंजॉय कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।